हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि झारखंड में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए जो टीचरों की वैकेंसी के लिए एक नई और बड़ी अपडेट लेके आज मैं आई हूँ, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि और इसका फॉर्म हम कहाँ से लेंगे। ऐसा आपको सुनने में आ रहा है कि इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और मैं आपको आज भी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो वो मैं आपको आज क्लियर करने जा रही हूँ कि आखिर इसका जो है वो फॉर्म फिलअप कब होगा। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसका जो है वो कौन सा बड़ा अपडेट है और फॉर्म हम लोग कब फिलअप करेंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो फॉर्म कब आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म आपका वायरल हुआ है वो फॉर्म यहाँ का नहीं है, वो फॉर्म झारखंड का नहीं है, वो फॉर्म यूपी का था। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ मैं कि कस्तूरबा विद्यालय में नहीं शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया। अब ये मत समझिएगा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, होगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो है वो नियुक्ति नहीं हो रही है, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिए थे। निर्देश के अनुरूप 25 जून से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, परंतु जिलों की ओर से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने व अन्य जरूरी जानकारी झारखंड सरकार परियोजना को नहीं भेजे जाने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विभाग में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से पेपर में आउट करने के बाद भी, मतलब कि आपका जो 25 जून से पेपर में आउट किया था कि इसका नियुक्ति प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो इसी वजह से नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि 18 जून तक आरक्षण रोस्टर क्लियर कर इसकी सत्यापित प्रति झारखंड शिक्षा परियोजना को भेजें, जो कि नहीं हो पाई, जिसकी वजह से है ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मतलब कि इसका जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय आपका जो है सीट खाली है और उस सीट को भरेगा, लेकिन पेपर में आउट करने के बावजूद भी नहीं लिया, क्योंकि विभाग में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ त्रुटियां थी, जिसे जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि बीएड और डीएलएड वाले के दोनों को इसमें दिया जाएगा मौका, तो यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है कि बीएड वालों को ही सिर्फ रखेगा, डीएलएड वालों को नहीं रखेगा। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया है कि आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय और आपका जो है शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली है, तो अब हमें उसी का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बात तो क्लियर हो चुकी है। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे ये आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है वो वैकेंसी आया है या नहीं आया है। और इसका फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे ही मिलेगा, वहीं पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको शिक्षा विभाग और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है, और हमारे विभाग में कुछ त्रुटि है जिसकी वजह से ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की गई है, तो वो जल्द ही शुरू होने वाली है और इसका जो है वो वैकेंसी आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको जुलाई के लास्ट वीक तक ये वैकेंसी आने का जो चांसेस है उसे मैंने आपको बताया है। और इसमें आपके पोस्ट हैं, आपका जो है टीचर के लिए, वार्डन के लिए, प्यून के लिए और अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसी निकाली जा रही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको झारखंड के जॉब और जो भी नई वैकेंसी आती है उसके बारे में बताती रहती हूँ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से जाके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं कि आपका वैकेंसी आया है कि नहीं। हालाँकि वैकेंसी आते ही मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँगी। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।